देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक फिल्म आई जिसका नाम कश्मीर फाइल है, जो देश में सबसे बड़ा ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है। इस फिल्म के खिलाफ में कई लोग आए, लेकिन इस फिल्म के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब ये फिल्म आपको बताते चले कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हर जगह टैक्स फ्री हो गई है। इस मूवी को देखने के लिए तमाम लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स लगातार कह रहे हैं कि देखिए मूवी, और इस मूवी का प्रचार और प्रसार करने के लिए अब बहुत सारे लोग, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया, एक साथ पूरा भारत आ गया, पूरा भारत संगठित रूप से इस फिल्म को देखने की वकालत कर रहा है। और देखने की वकालत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सच को देखिए। वो सच जिसके ऊपर दरअसल कालिख पोती गई, उसके ऊपर दरअसल उसको इतना सीमेंटेड किया गया, उसके ऊपर इतना लोहा, इतना जंग, इतना सब कुछ पीतल भर दिया गया कि वो सच आपके सामने आ सके। लेकिन उस सच को सामने आने से रोकने वालों में किस किस का नाम था, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके पीछे कई लोगों के ऊपर आरोप लगे। आरोप कैसे कैसे, सबसे पहले एक चीज निकलकर सामने आई फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स कि कपिल शर्मा इस मूवी को प्रमोट नहीं कर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे थे विवेक अग्निहोत्री जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा जो कि कॉमेडी शो चलाते हैं, बहुत फेमस कॉमेडी शो है उनका, नाम है द कपिल शर्मा शो, जिसमें वो हर मूवी को ऑलमोस्ट वो प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने शो के थ्रू। जैसे उनका शो है वैसी, जैसे ये शो है वैसी वो शो, तो शो के थ्रू वो प्रमोट करते हैं। गंगूबाई ऐसी मूवीज प्रमोट करते हैं, काठियावाड़ी ऐसी मूवीज प्रमोट करते हैं, सूट आउट एट वडाला, सूट आउट एट लोखंड वाला टाइप ऑफ मूवीज जो है वो प्रमोट करते हैं, हर मूवी को प्रमोट करते हैं। लेकिन दर्शकों, एक सवाल है कि वो इस मूवी को प्रमोट करने से क्या सच में बच रहे थे, या फिर ये सब सिर्फ एक झूठी भ्रामक फेक न्यूज। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें आपको कि ये जो कपिल शर्मा शो है, इसके जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो फाइनेंस करते हैं, जो पैसा देते हैं, जो आप पूरे शो में देखते हैं ना, वो जो फ्लावर पॉट रखा है, जो पीछे सोफा रखा है, जो आगे खाट रखी है, जो चेयर्स लगी हैं, जो पानी की बॉटल्स आ रही हैं, जो बगल में जो डमरू डीम बजा रहे हैं, उन सबको पैसा देते हैं सलमान खान। तो सलमान खान जो है वो शो के प्रोड्यूसर हैं, इसलिए सलमान खान पर भी अब उंगली उठ रही है कि सलमान खान आखिर इस फिल्म को प्रमोट करने से क्यों रोकना चाहते हैं। ये वही सलमान खान है जो दरअसल जब पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट थे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जब भारत में आकर काम करते थे, और जब भारत में अटैक हुआ था पाकिस्तानी फंडेड टेररिस्ट के जरिए, तब सलमान खान ने सपोर्ट किया था उन पाकिस्तानी एक्टर्स का, उन फिल्म स्टार्स का, उन सभी लोगों का, उन्हीं कलाकार बताया था। लेकिन आज सलमान खान और उनकी ये पूरी एंटी कश्मीर फाइल्स लॉबी क्यों इस मूवी को नहीं दिखाना चाहते, सच को दबाना चाहते और मोदी सच को दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या है, दो ढरे भारत में। एक ढरा वो है जो सच को दबाने की वकालत कर रहा है, जो सच को छिपाना चाहता है, सलमान खान एंड होल एंटी कश्मीर फाइल लॉबी, जो सच को दबाना चाहते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सच को दिखाने की वकालत के लिए सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज कुछ सवाल है 5 से 6 सिंपल एंड स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सवाल है आज, जो सलमान खान से और उनकी लॉबी से, पूरी एंटी कश्मीर फाइल्स जो लॉबी है उनसे। और ये सवाल क्यों है ये बताता हूं सबसे पहले आपको बताते चले कि अनुपम खेर साहब फिल्म प्रमोट करने के लिए मीडिया के तमाम मीडिया चैनल्स पर जाए, तो अनुपम खेर साहब जब एक मीडिया चैनल पर गए और उस मीडिया चैनल पर पूछा गया कि क्या सच में कपिल शर्मा के शो में जाने से आपको रोका गया, मना किया गया, क्या, तो अनुपम खेर साहब ने कहा कि नहीं, वहां से बुलावा आया था, लेकिन मूवी बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए नहीं गए। लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ कारण हैं, कुछ लोग हैं जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं, बॉलीवुड में एक गैंग है जिसको ब्लॉक करना चाहता है, इसको रोकना चाहता है, और जो इशारा था किसकी ओर था आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा, लेकिन इसको कपिल शर्मा ने कट किया, जो आप बाजू में ट्वीट देख रहे हैं, कट किया और इसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर साहब पाजी इस क्लैरिटी के लिए। लेकिन इसके साथ अनुपम खेर साहब ने फिर सारा भांडा फोड़ दिया, अनुपम खेर साहब ने फिर इसको रीट्वीट किया
और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने ये अधूरा दिखाया है, अधूरा, इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट दिखाना चाहिए था आपको। तो कंप्लीट क्या था? वो दरअसल यही था कि अनुपम खेर साहब ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो रोकना चाह रहे, कुछ लोग हैं जो दबाना चाह रहे, तो ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज बताऊंगा आपको कि जो ऑडियंस है, जो कपिल शर्मा साहब की ऑडियंस है, जो इस पूरी लॉबी की, वो आपको क्या समझते हैं? ऑडियंस को समझते हैं एरा और गैरा। सही कह रहा हूं मैं, एरा और गैरा। इस ट्वीट को देखिए, बाजू वाली खिड़की में जो चल रहा है, इस ट्वीट में साफ है एक्टर सो कॉल्ड और सिंगर वेरी वेल नोन मीका सिंह, वो जब कपिल शर्मा ने, ये देखिए ट्वीट देखिए, कपिल शर्मा ने जब एक राठौर साहब हैं उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि अरे गलती हुई आपको, गलती हुई है, यू आर मिस्टेकन, तो उस पर जवाब देते हुए मीका सिंह बोल रहे हैं, मीका सिंह, अरे बोला ना, तथा कथित कलाकार और वेरी वेल नोन बहुचर्चित सिंगर। तो मीका सिंह ने कहा कि क्या अरे गहरे लोगों के मुंह लग रहे हैं। तो ये जो आपकी ऑडियंस है, ये जो आप लोग हैं जो उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, आप सिर्फ एरे हैं, आप सिर्फ गहरे हैं, तो इन लोगों की भाषा शैली पर भी ध्यान दीजिए, या आपको एरे बता रहे हैं या आपको गहरे बता रहे हैं, तो इन लोगों पर भी गौर करना बहुत आवश्यक है, गौर करना बहुत जरूरी। आज जो सवाल, जो दरअसल सलमान खान से 5 से 6 सवाल है, और इनकी पूरी लॉबी से, एंटी कश्मीर फाइल्स पूरी लॉबी जो है उससे सवाल है कि सलमान खान और एंटी कश्मीर फाइल लॉबी उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपना मकान, दुकान, सम्मान, जिंदगी, सब कुछ खो दिया। इस एंटी कश्मीर फाइल लॉबी की सोच है कि इस्लामोफोबिया बनाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है इस फिल्म के थ्रू। ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो क्या कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना नहीं है? अगर सच्ची घटना है तो क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? अगर सच्ची घटना नहीं है तो बताइए, प्रूफ दीजिए, और अगर सच्ची घटना है तो इस पर बात क्यों ना करें, यह भी बताइए। और यह पूरी एंटी कश्मीर फाइल लॉबी की क्या मजबूरी है जो इस सच्ची घटना पर आधारित मूवी को ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मजबूरी है भाई खान साहब, क्या मजबूरी? और चौथा सवाल, विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, देश को जगाया, क्या बॉलीवुड से ही उम्मीद की जा सकती है कि इमरजेंसी के समय जो घटनाक्रम, जो पूरे बंधक बना लिया गया, बांध के रख दिया गया लोगों को, उस पर फिल्म बनाए, क्या उम्मीद की जा सकती है बॉलीवुड से 1984 के सिख विरोधी दंगों पर फिल्म बनाई जाए, या फिर सिर्फ गंगूबाई टाइप फिल्म की ही उम्मीद करनी होगी बॉलीवुड से अब हमको? पांचवा सवाल, क्यों कपिल शर्मा, इसके शो के प्रोड्यूसर खुद सलमान खान है, उड़ता पंजाब को प्रमोट करते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रमोट करते हैं, हर नेपोटिज्म वाली फिल्म को प्रमोट करते हैं, क्या कभी खुलकर ये बताएंगे कि कश्मीर फाइल को प्रमोट करा करने का कारण क्या है, क्यों प्रमोट नहीं करते? छठा सवाल, जब कपिल शर्मा रात के 3 बजे पीएम मोदी को ट्वीट कर सकते, जब कपिल शर्मा अपनी लड़ाई, ट्वीट और हर कहानी खुलकर बता सकते हैं, तो वो कश्मीर फाइल को प्रमोट ना करने का कारण खुलकर क्यों नहीं बता रहे? खुलकर बताइए शर्मा जी, खुलकर बताइए शर्मा जी, कि आप प्रमोट क्यों नहीं करना चाहते फिल्म, इन सभी बातों को बताइए। और सलमान खान साहब, आप कहते हैं, बात करते हैं बीइंग ह्यूमन, तो बीइंग ह्यूमन ये नहीं है, ये बीइंग ह्यूमन नहीं है कि भारत में पलायन की सबसे खौफनाक तस्वीरों को दिखाती फिल्म को दबाने की कोशिश करें। सलमान खान साहब, बीइंग ह्यूमन ये नहीं है कि जिन महिलाओं को बेआगरू किया गया उनके दुख को दिखाती तस्वीरों को दबाने की कोशिश की जाए। ये बीइंग ह्यूमन नहीं है कि जो बच्चे यतीम कर दिए गए उनकी आंखों को दिखाती तस्वीरों को दबाने की कोशिश की जाए। खान साहब, ये बीइंग ह्यूमन नहीं है कि जिस पिता ने अपना बेटा खो दिया हो उसकी बातों को सुनाने वाली कहानी को दबाने की कोशिश की जाए। और मीका सिंह कह रहे हैं कि ऐसे अरे गहरे लोगों को जवाब दे रहे हो कपिल, तो मीका सिंह साहब एक बात ध्यान रखिएगा, ये अरे गहरे नहीं है, आप मेरी बात को मानिए, संजीदगी के साथ मानिए, ये अरे गहरे नहीं है, जनता ने आपको बनाया है, आपके पास प्रतिभा थी, एंड आई एक्सेप्ट कि जनता के साथ मिलकर ही वो सफल कहलाती है, जनता के साथ ही वो सफल कहलाती है, याद रखिए, ये जनता अरे गहरे नहीं है, और जनता के प्यार से हिट हुए शो की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस देश के एक भाग में हिंदुस्तानियों के साथ जो बर्बरता हुई, जो अन्याय हुई, उसको एक फिल्म आज दिखाने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको प्रमोट ना करें? इज दिस नॉट रॉन्ग? ये ठीक है? और अब सबसे पहले तो एक आगे पूरी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, एक पूरी स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले
सबसे पहले आपको रिएक्शंस दिखाते हैं कि फिल्म को देखकर आखिर लोग किस तरह से भावुक हो रहे हैं, किस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं, किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये 32 साल के बाद जो दिखाया है आज तक किसी ने नहीं दिखाया, कोई दिखा ही नहीं पाया, कोई हिम्मत ही नहीं कर पाया, और आज एक बार फिर आपने सच सामने ला कर दिया। एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, क्या कुछ चलाइए, ऐसे ही मरते रहेंगे भाई साहब। अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल, केरल के बाद वेस्ट बंगाल, एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे, दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आयर हुसैन ने, ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको ऐसे ही काटा, और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार, कैसे यादगार। सर पीआईएल नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल, जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला आ रहा हूँ, मैं भूमि नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। कैन यू हियर मी? व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग I was in CRPF at that time, I was in the MHA control room. We were getting all the information. Everything was recorded. MHA control room in Delhi? In Delhi. MHA, Minister of Home Affairs. Where MHA sits now? My name is V. Purushottam Rao. Yes. Please let him continue. Please, don't disturb. So, all the information, Hindi mein bolu or English? Hindi, sir. Yes, sara information humko aata tha. ये सारे हम रिकॉर्ड करते थे और गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैं सीआरपीएफ से हूं और तुरंत उसी टाइम पर मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉर रेडियो एंड टीवी हुआ था। मैं कश्मीर जाता था, मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर सीनियर्स वहां पर थे, हम लोग सेफ थे क्योंकि हम लोग फोर्स में थे, हम टेररिस्ट को मारना चाहते थे, मारे बहुत सारे, लेकिन जो हुआ ये सब हुआ वो नया ने एक जला हुआ गर्द मैंने देखा। अब मेरा कहने का बात ये है, हम लोग मिले नहीं है, वी आर नॉट टुगेदर। इफ समथिंग हैपन टू हिम आई विल नॉट गो नियर हिम बिकॉज आई एम सेफ। हम सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा। अगर कोई आपको होता है तो मैं अपने जान देना पड़ेगा, नहीं तो 10-15 साल बस, उसके बाद नाम सोच लो, तुम्हारे पोते का नाम क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या होगा। 8.2% उनका ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ 1.2% है। कोई भी गवर्नमेंट तब आगे चलती है। अब मैं यहीं पर अपने पेरेंट राजू पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आर एस एम सिंह को इनको लेके आया था पिछले फरवरी या मार्च में, आपने आया 2 साल पहले आ रहे सर पुष्पेंद्र जी आ रहे। उनको बहुत वो टॉर्चर करते थे, हमको बोलते थे बहुत कुछ, मेरे भाई को मारा है ये वो, यहाँ अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया है, मारा है मेरे भाई को। हम है सर। आप ये एक बात बता रहा हूँ, ये हमारे सामने बैठी थी और आधे पिक्चर में रोई है, पूरा पिक्चर देखे वो रोई थी, साथ में आपके अभी नहीं कोई मारेगा, मेरे बच्चे रोए मेरे से, ये सब यूं तो आपके साथ है, मेरे भाई को मारा, हम भी रोए, नहीं आप अकेले नहीं रोए, आप लोग नंगे नाड़ बलक दिखा रहे थे, नाड़ बलक दिखा रहे थे, रियल ग्यारह जन को मारा एक साथ, क्या कसूर था हमारा, हमारा कुछ कसूर नहीं था, हम दोषी सब, हम देखते रहे, हम एक साथ नहीं आए, एक मच्छर नहीं, आप लोगों को पता नहीं था ना, हम छुपाया, सबसे छुपाया क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला था, अभी आया मोदी जी आया, ये क्या बोलते हैं उसको, योगी जी आए, अब कुछ कर रहे हैं, अभी हमको भी थोड़ा, हम अभी भी क्योंकि वहाँ से आते थे, बोलते थे हमारा नाम कौन रैना पंडित, बोलते थे हम हमारे बड़ी बड़ी लड़कियां है तो हमको पैसे दे दो, हमारे उधर दुकानदार, हम देहू रोड में रहते थे पहले, हाँ। बोलते थे हमको पैसे दे दो, लड़कियों की शादी करेंगे, जबकि मैं भी अनमेरिड थी, मैं 12th स्टैंडर्ड में बोल रही हूँ, मैंने एग्जाम दिया था 12th स्टैंडर्ड का, तभी रेडियो पर हमारा आया था, मेरे पापा बोले मम्मी नहीं थी, भाई को मारा तो
पापा ने बोला पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर मेरी शादी की। नहीं बोलने दो, मन का जो है ना। नहीं ये बोरी अभी भी डरती हूँ ना, डरती हूँ अभी। अभी डरने अभी उनके डरने का वक्त है, अपने डरने का वक्त नहीं। भाई अगर आप लोग साथ दे तो हम जाएंगे, हमारी पूरी सब साथ है। आप साथ हो बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप हमारे साथ है, आप हमारे साथ है, बोलो हम आप हमारे साथ है, हम हमारे साथ है। हमको है ना अगर मिल जाता था तभी, क्योंकि ये नहीं था, सो ये मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, फोन नहीं थे, लैंडलाइन था। एक बार मैंने फोन किया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 1989, 1990 और उसके बाद आज 2022, वो दौर और ये दौर, इस दौर के बीच का जो वैक्यूम था, जो खालीपन था, उसको भरने का काम अब इस फिल्म ने किया। तो कुछ लोगों को रेड 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 वाली मिर्ची लग, कुछ लोगों को बहुत तक, बहुत तक। लेकिन ये सोचना होगा कि इस लॉबी को भी ये सोचना होगा कि आखिर सच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो तरसों सच सामने आएगा। इसको कब तक रोकेंगे, कब तक? और बॉलीवुड का ये जो प्रोपेगेंडा किला जो है, ये जिस तरीके से अब धीरे 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 ठहरा, इसको भी सोचना होगा कि कैसे इस किले को बचाने का अब काम करेगा ये पूरा सिस्टम, ये पूरा इकोसिस्टम। लेकिन इस इकोसिस्टम पर जो सीधे वार किया है, जो सीधे चोट मारी है, ये चोट मारना जरूरी था, जरूरी था। क्यों जरूरी था? इस रिपोर्ट को देखिएगा, अगर भावुक ना हो जाए तो बताइए। इस रिपोर्ट को देखिए, की उस रोज सुबह का वक्त था। श्रीनगर के चिंगार मोहल्ले के बाहर एक बच्ची रोते हुए खड़ी थी। मकान के बाहर एक कमरे में टीकालाल कुछ काम निपटा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहीं एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी, कदम रुक से गए। फिर इसके बाद टीकालाल कमरे से बाहर निकले और घर में बने अहाते से होते हुए दरवाजे पर पहुंचे। पास खड़ी बच्ची को रोता हुआ देख टीकालाल ने पूछा कि ये क्यों रो रही है। बच्ची की माँ ने कहा कि स्कूल में जलसा होना है और इसे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी सी बात को सुन टीकालाल टपलू ने जेब में हाथ डाला और 500 रुपए निकाल कर बच्ची के हाथ में थमाते हुए उसका सिर सहला दिया। टीकालाल के चेहरे पर मुस्कान थी जो कि अब बच्ची के चेहरे पर भी आ चुकी थी। टीकालाल बच्ची का सर सहला ही रहा था कि कुछ लोग टीकालाल के पास पहुंचे, और जब तक टीकालाल वो बच्ची और उस बच्ची की माँ को कुछ समझा पाता, उन लोगों ने बंदूक निकाली और टीकालाल पर गोलियां बरसा दी। ये बस उस वक्त तक सीमित नहीं था बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। यहाँ से एक कहानी की शुरुआत थी जिस कहानी का शीर्षक आजकल हम कश्मीरी पंडितों के पलायन के नाम से पढ़ते हैं, जिसकी सिसकियां आज भी घाटी के सुंदरता के बीच मौन है। वो खौफनाक तस्वीरें आज भी घाटी में कहीं दब सी गई हैं, जहां न जाने कितने ही परिवार बर्बाद, कितनी ही महिलाएं बेआबरू और कितनी ही बच्चियां यतीम हो गई। जिस कत्ल के साथ इस खौफनाक घटना की शुरुआत हुई, वो टीकालाल टपलू कश्मीरी हिंदुओं के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। टीकालाल की हत्या 14 सितंबर की रोज उस मौसम में हुई थी जब कश्मीर में इस्लाम के नारे लगाए जाते थे। इन नारों में कुफ्र के मैदान का जिक्र होता था, निजामे मुफ्तबा की बात होती थी, सारी पटकथा पाकिस्तान लिख रहा था। टीकालाल टपलू जब तक जीवित थे कश्मीरी पंडितों की हिमायत में लगे रहते थे। उनके कत्ल का आरोप जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा। ये संगठन वो था जिसने इस कत्ल की से सवा साल पहले 1988 के जुलाई में ही रूप रंग धारणा किया था। इस कत्ल का आरोप जिन पर था वो सब उस वक्त मीडिया में ही थे, लेकिन कभी कोई गिरफ्तार किया, पहचान भी नहीं किया गया। आज भी कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की खौफनाक कहानी की शुरुआत टीकालाल टपलू की हत्या से शुरू होती है। टीकालाल टपलू की हत्या के चंद रोज बाद ही कश्मीर की सड़कों पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर चिपका दिए गए। लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने आंदोलन की आड़ में कश्मीरी पंडितों से उनका सब कुछ छीनना शुरू कर दिया।
पहले उनका सम्मान छीना, उनकी दुकानें छीनी, उनका घर छीना और आखिर में उनके जीने के अधिकार भी छीन लिए गए। सबसे बचते भागते कश्मीरी पंडित सब कुछ छोड़कर चले गए। उनको सिर्फ पहने हुए और पकड़े हुए कपड़े ले जाने दिए गए। इस्लामियत के नाम पर कश्मीर की सड़कें लाल कर दी गई। बच्चों के रोने की, महिलाओं के बिलखने की आवाजें आज भी किसी कोने में दबी हुई हैं। साल 1989 में मस्जिदों से एक नारा लगाया गया, यहाँ चलेगा क्या, निजामे मुफ्तपा, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहे इल्लल्लाह। सभा के उस नारों के बीच कश्मीर का एक नया कल दिखाई दे रहा था। निशान हर वो शख्स बनाया जा रहा था जो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफत करता था। टीकालाल टपलू के बाद जस्टिस गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जस्टिस गंजू की पत्नी का अपहरण भी किया गया, लेकिन वो कहां गई ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इस दौर में औरतों के बलात्कार की घटनाएं आम हो गई, घरों में घुसकर लूट होने लगी, हर तरफ नारा लगने लगा कि कश्मीर को पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना इस बीच घाटी में जो हिंसा हो रही थी किसी का रिकॉर्ड नहीं था। 19 जनवरी 1990 के दिन पलायन की रोज उस दिन जो कुछ हो रहा था, हजारों लोग की तारीखों में श्रीनगर से जम्मू की ओर बढ़ने लगे थे। पलायन की सबसे बड़ी तारीख 19 जनवरी बनी जब हजारों कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। इन लोगों को जम्मू से लेकर दिल्ली तक के राहत शिविरों में बसाया गया, लेकिन हालत यह है कि आज भी हजारों कश्मीरी पंडित छोटे से कैंपों और कश्मीर में रहने को मजबूर हैं, जिनके पास कभी कश्मीर में शानदार हवेलियां करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पॉइंट इंडिया। आज भारत एट नाइन में हम दरअसल बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक लॉबी, एक पूरा गैंग, एक पूरी टुकड़ी इज ऑन वर्क एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि किस तरीके से फिल्म को दबाया जाए। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू से दिस कि अब पूरा भारत एक साथ है, पूरे भारत के हर राष्ट्रवादी एक साथ हैं और इस फिल्म को चप्पा चप्पा कर रहे हैं, इस फिल्म को हर जगह प्रमोट करने का काम सभी राष्ट्रवादी एक साथ लगातार इस फिल्म को प्रमोट कर, लगातार इस फिल्म को आगे बढ़ा रहे, लगातार इस फिल्म को दिखा रहे हैं। और इस फिल्म के जरिए 1990 की वो हॉरिफाइंग इंसिडेंट, वो हॉरिफाइंग तस्वीरों को सामने रखा जा रहा है और आज हर कोई बात कर रहा है कि खोल दीजिए वो फाइल, खोल दीजिए वो दबे हुए मुकदमे, और जो लोग आज बाहर घूम रहे हैं, जो जो दोषी हैं उनको पकड़िए, उनको अरेस्ट करिए। और आज वक्त है, खैर इस फिल्म के जरिए ही से, लेकिन वक्त, और मैं तो विवेक अग्निहोत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस फिल्म के जरिए जो आपने अलख जगाई है, अब इतना होना चाहिए सरकार, इतना होना चाहिए कि अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाए जिन्होंने कश्मीरी सुनते ही, पंडित सुनते ही मौत के घाट उतारा है, जो लोगों को बहुत, जिन्होंने दुर्दांत अपराध किए। एंड आई एम सेइंग दिस, एक एक को पकड़कर उन कश्मीरी विस्थापित लोगों को जो दिल्ली में है, मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में, जम्मू के बॉर्डर्स पर है, उनको इंसाफ दिलाने का वक्त। दे नीड जस्टिस, आई एम टेलिंग यू, दे नीड जस्टिस। देर से ही, लेकिन अब वक्त जस्टिस दिया जाए, अब वक्त जस्टिस देने का समय है, एक फिल्म के जरिए ही सही। लेकिन आज जब सारी तस्वीरें सामने आ गई और पूरे देश को पता लग गया, तो अब जस्टिस का समय है, तो जस्टिस दीजिए प्लीज। आई एम बाइंडिंग दिस शो विद अ वेरी इमोशनल नोट, बड़े ही एक भावुक एक संदेश के साथ। व्यूअर्स, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस वक्त की सरकारें, उसके बाद आई सरकारें, उसके बाद आई ब्यूरोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर, हर कोई कहीं ना कहीं दोषी है कि आपने कश्मीरी पंडितों के दिलों को नहीं समझा, कश्मीरी पंडितों की आंखों में वो आंसू, वो लाल आंखें आप नहीं देख पाए, कश्मीरी पंडितों के यतीम बच्चों को आज जो बड़े हो गए उनको आप क्या जवाब दें, मां को क्या जवाब देंगे जिसके बेटे को इस आग ने छीन लिया, इस विस्तार वाली सोच ने छीन लिया, उन क्रिमिनल्स, उन आतंकियों ने छीन लिया, उस
उस पत्नी के सिंदूर को आप कैसे कैसे लौटाएंगे जो लाल सिंदूर वो लगाती थी और उसने सामने देखा कि उसके पति के पति को इतनी गोलियां मारी कि उसका पूरा शरीर लाल, कैसे आप वापस लौटाएंगे। लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं, द लीस्ट यू कैन डू इज गिव देम जस्टिस, उनको जस्टिस दीजिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करते हैं, शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।